हेलो दोस्तों, मैं आपका पुष्य भैया, सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम जो इंटीग्रल्स के जो सभी फॉर्मूला हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं सभी को यहां पर लिखते जाऊंगा और आप उन्हें नोट करते जाना, और आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको बहुत ही याद करके रखने हैं, ठीक है। क्या करने हैं? याद करने हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इन सभी फॉर्मूला को आप याद कर लेते हो तो जो इंटीग्रल है वो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। अदरवाइज आप इनको याद नहीं करते हो तो ये इंटीग्रल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इंटीग्रल्स के जो फॉर्मूला है उनको नोट करवाता हूँ। पहला है 1 dx, और 1 होता है और कहीं कहीं नहीं होता है, ये भी आ जाता है, लेकिन यहाँ लिख लो तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है 1 का इंटीग्रल? x। लेकिन इसमें कोई भी फॉर्मूला हो जब हम इसका आंसर लिखते हैं तो c जोड़ते हैं। c का मतलब होता है कॉन्स्टेंट। क्या होता है? कॉन्स्टेंट। तो इसमें इंटीग्रल में एक कॉन्स्टेंट जोड़ना होता है जो कि हम c जोड़ देते हैं, ठीक है। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। सेकंड फॉर्मूला x की पावर n। तो जो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, और प्लस c तो आपको पता है जोड़ना ही है, तो x की पावर n का क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। जो थर्ड फॉर्मूला है वो है आपका sin x। क्या है? sin x का होता है माइनस के cos x प्लस c। sin x का क्या होता है? माइनस के cos x प्लस c। फोर्थ फॉर्मूला आपका है cos x, ये होता है sin x। जो cos x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है दोस्तों? sin x, और c जोड़ देते हैं। जो फिफ्थ फॉर्मूला है sec स्क्वायर x, उसका होता है tan x। क्या होता है? tan x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला cosec स्क्वायर x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के cot x प्लस c। माइनस के cot x प्लस c, ऊपर से नोट हो गए होंगे तो मैंने रफ कर देता हूं, ठीक है। साथ के साथ में आप इन्हें नोट कर दे जाना। अब तक 6 फॉर्मूला हो चुके हैं। सेवन, sec x tan x, इसका होता है sec x प्लस c। sec x प्लस c, cosec x cot x, इसका जो इंटीग्रल होता है माइनस के cosec x प्लस c, ठीक है। अब आते हैं इनवर्स वाले, इनवर्स पोर्शन पे आते हैं। किस पे आते हैं? इनवर्स पोर्शन पे। जो इनवर्स से रिलेटेड फॉर्मूला है वो अब मैं नोट कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट है साइन इनवर्स x, इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स x, ठीक है। होगा इसका माइनस के कॉस इनवर्स एक्स भी होता है, या फिर इस माइनस को आप यहां भी आगे भी लिख सकते हो और या फिर यहां भी लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि माइनस है और बराबर में तो इधर भी आ सकता है और उधर भी आ सकता है। नेक्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का। क्या
क्या होता है, अगर कोई पूछता है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो क्या होता है, तो tan इनवर्स x। नेक्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस के cot इनवर्स x भी होता है, क्या होता है बेटा, माइनस के cot इनवर्स x। अच्छा ये माइनस अगर इधर आ जाएगा, अब ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल क्या हुआ, तो cot इनवर्स x होगा, क्या हुआ, cot इनवर्स x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये माइनस का cot इनवर्स x भी हो जाएगा। ठीक है, अब तक कितने हो गए 12, अब आते हैं 13 पर। देखिए ये होता है sec इनवर्स x का, 1 अपॉन x अंडर में x स्क्वायर माइनस x, ये होता है इंटीग्रल sec इनवर्स x। 14 1 अपॉन x अंडर में x स्क्वायर माइनस 1, ये होता है माइनस के cosec इनवर्स x। आप बोलोगे कि इसका ही sec इनवर्स x है, इसका ही माइनस के cosec इनवर्स x है, इस प्रकार हो जाता है कि जब ये माइनस इधर आ जाएगा ना, अगर ये हो माइनस के 1 अपॉन x अंडर में x स्क्वायर माइनस 1 तो ये cosec इनवर्स x, अगर 1 अपॉन x स्क्वायर x अंडर में x स्क्वायर माइनस 1 होगा तो ये माइनस के cosec इनवर्स x। ठीक है, अब आते हैं 15। बेटा देखो e की पावर x का समाकलन क्या होता है, प्लस सी, तो सम में ऐड करना है आपको, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो e की पावर x ही होता है प्लस सी, और e की पावर x एक ऐसा है कि इसका अगर अवकलन करोगे तो भी e की पावर x, और समाकलन मतलब इंटीग्रल करोगे फिर भी e की पावर x ही रहेगा। 16 1 अपॉन x, जब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है बेटा तो वो होता है log x, लेकिन e क्या होता है सफिक्स में, क्या होता है e क्या होता है सफिक्स में। 17 a की पावर x, बेटा a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x बटे log e a प्लस c, e क्या है हमारा, e क्या है हमारा बेटा, e सफिक्स में। 17 हो गई। ठीक है बेटा, देखिए मैंने उधर क्या कराया था, उधर मैंने साइन का कराया था आपको, कॉस का कराया था, टेन का नहीं कराया था, टेन का थोड़ा सा अलग है, टेन का क्या है थोड़ा अलग है, अब मैं इसे रफ करता हूं, अब मैं बताता हूं tan x का इंटीग्रेशन। tan x का होता है log sec x, बेटा क्या होता है log sec x प्लस c। अच्छा tan x के दो होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला भी होता है, log sec x tan x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log sec x, अगर cos x में लाना है तो वो माइनस में होता है, sec x वाला प्लस में होता है और cos x वाला माइनस में होता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, cot x का बेटा होता है log sin x, क्या होता है log sin x। ठीक है, इस वीडियो में मेरे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे वो मैंने सभी करा दिए। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लेना और याद कर लेना, और आगे इसी के स्टैंडर्ड पर हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे, और एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके फॉर्मूला, आपको वो याद होना ज़रूरी है, जब तक आपको याद नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।